वेलकम बैक टू माई चैनल मनु स्लैम बाय मनु तिवारी। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक प्रॉपर स्किन रूटीन विद दिस। सो गाइज, ये है ग्लास लुकिंग स्किन के लिए कि आपको अपनी स्किन, अगर बिल्कुल ग्लास लुकिंग स्किन चाहिए तो आप वो कैसे कर सकते हैं। सो गाइज, अभी जैसे कि गर्मी आने वाली है, विंटर सीजन ऑलमोस्ट मतलब चला गया है, एंड आपको अगर ग्लास लुकिंग स्किन आपकी चाहिए तो उसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको हमेशा फॉलो करोगे तभी आपकी स्किन अच्छी होगी, नहीं, बट मंथ में एटलीस्ट 2 times or 3 times, वीक में आप अगर एक बार भी करते हो तो बहुत ही ज़्यादा सही है। इसके बाद ही आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होती है और वो ग्लास लुकिंग स्किन बनती है। तो एक ही सिंपल सा स्टेप है। वैसे भी हमको पता है, हम अपनी स्किन केयर वैसे भी घर पर कर ही लेते हैं, अब हम ऑफिस जाएँ या फिर हम कोई भी वर्क कर रहे हो, बट अगर हम अपनी स्किन पैम्परिंग के लिए 1 या 2 दिन निकाल लें मंथ में, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। है तो बहुत सिंपल सा करना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सबसे इसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि आप कैसे ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं घर पे। पहले मैं अपना फेस जो है मूव कर आती हूँ, आप मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। कोई सा भी मतलब फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ आयुर्वेदा का ये स्क्रब, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, होममेड वाला। सो ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, नॉर्मली तो हम लोग वैसे भी घर पे ये चीज़ें कर ही लेते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। क्लीन योर फेस, आप देखो जैसे फेस स्क्रबिंग के बाद हमारी स्किन वैसे भी मतलब हेल्दी लगती है, फ्रेश लगती है बहुत ज़्यादा। जितनी भी हमारे डेड स्किन सेल्स हैं वो सब चीज़ें, बहुत इंप्योरिटी जो स्किन पर चिपक जाती है सब रिमूव हो जाता है पॉल्यूशन। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे फेस पे टोनर। टोनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप जब भी अपने मेकअप साफ करते हैं मुँह से तो आप टोनर ज़रूर अप्लाई कीजिए। गाइज, ये आप अपने फेस अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। वैसे बायोटिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो अगर आप वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट है। इसके अलावा ये नॉर्मल सा रूटीन है कि हम मुंह तो वैसे भी धोते हैं, स्क्रब भी आप वीकली कर ही लेते हैं, तो जब भी आप ये वाला स्किन रूटीन फॉलो कीजिए तब आप कीजिए, उसके बाद आप टोनिंग कीजिए। एंड द लास्ट पार्ट इज मास्क। सो मास्क मैं लगा रही हूँ बॉडी शॉप का, और मेरा है पोमग्रेनिक का रियल नेचर का। सो गाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मास्क लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, 10 मिनट हो चुके हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। आपको बची हुई सीरम से फेस पे मसाज करनी है। ऐसा नहीं कि आपको डेली लगाना है, बट मंथ में आप 2 times तो यूज़ कर ही सकते हैं। एक अभी बहुत सारे गार्नियर्स के आते हैं, जैसे मैंने ये फेस शॉप का लिया था, आपको 100 rupees का मास्क मिल जाएगा, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, मंथ में 2 times कर लीजिए। तो बहुत ही बेसिक सा ये मैंने सिंपल रूटीन आपको फॉलो करके, अगर आप करेंगे मतलब इसको फॉलो,
तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी। और जैसे मैंने बताया ग्लास लुकिंग स्किन जो है वो आपकी नेचुरली बहुत हेल्दी रहेगी और ये आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप इसको मंथ में 2 टाइम्स तो यूज़ कर ही सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड हिट द बेल बटन, और मैं ऐसी और वीडियोज़ आपको लेके आती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।